हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का एक और प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल 42 कैंडिडेट जो वेटिंग से थे, साथ में कटअप भी डिक्लेयर हुआ और कह सकते हैं जल्दी जल्दी वेटिंग क्लियर हो रहा है। हालांकि कैंडिडेटों की संख्या अभी कम है, धीरे धीरे और पिकअप करेगा जब तक न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। आरआरबी भाई आ रही है। और एक दूसरा अपडेट जो आपका 3/2019 आइसोलेशन कैटेगरी के लिए था, तो दोनों को देख लेंगे एक जल्दी से। बहुत शॉर्ट व्यू में रहेगा वीडियो, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3/19 के रिगार्डिंग है, मिनिस्ट्रियन एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का 3/19 वाला, जिसमें क्लिक एयर फोर जिनका स्टेनोग्राफी टेस्ट 27 तारीख को कैंसिल हो गया था उनके लिए है। तो यहाँ पर री एग्जामिनेशन का डेट आ गया है। तो जो कैंडिडेट 27 तारीख को भाग लिए थे 27/10 को और उनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था, उनको अभी 27 से लेके 30 तारीख तक है डेट। ई कॉल लेटर आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन्हीं कैंडिडेट को बोला गया है कि उन्हीं को एग्ज़ाम देने को अपीयर माना जाएगा जो 27/10/21 को एग्ज़ाम लिए थे और वो कैंसिल हो गया था। तो चलिए, एक अपडेट हुआ। दूसरा अपडेट के बारे में बात करेंगे तो आरआरबी बिलासपुर से एएलपी टेक्नीशियन का प्रोविजनल पैनल, ध्यान से देखिएगा, प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल 4 है जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन का कैंडिडेट दिया है, कह रहा है कि डो नॉट टर्न है, रिजिग्नेशन है, डिमाइज हो गए हैं उसके सब जगह पे 1 ईयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के स्थान पर। यानी वो कैंडिडेट जो दोबारा नहीं आए, रिजाइन भी कर गए जल्दी से, और कुछ कैंडिडेट का डिमाइज यानी मृत्यु भी हो गया या किसी कारण से उनके जगह पे भी पोस्ट जो लेना था 1 साल के अंदर वाला वो भी ले कर रखा है। तो ये कर सकते हैं कि उनका पैनल जो है यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा बिलासपुर में। तो सबसे पहले देखिएगा ये नया कंडीशन है, ये वाला जो आपके एक ने हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि जो भी अपॉइंटमेंट के 1 ईयर होगा तो सबको काउंट करना पड़ेगा नया वैकेंसी में। तो यहाँ ले लिया है रिजाइन वगैरह, नॉन टर्नअप वगैरह सबको ले लिया, उसके स्थान पर 42 खाली हो गया है। तो 42 में एलपी कहले एलपी कैटेगरी नंबर 1 साउथ ईस्टर्न रेलवे का, इसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या 19 है। और एलपी मैकेनिकल जो आपका सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे जो पोस्ट थी उसके लिए 18 कैंडिडेट है, यानी 18, 19, 37 कैंडिडेट हो गए एलपी के। टेक्नीशियन के कैंडिडेट कम ही है, 61 नंबर कैटेगरी में एक कैंडिडेट है, 61 फीटर वाले में टेक्नीशियन। सिग्नल यानी 134 नंबर में भी एक ही कैंडिडेट है। और उसके बाद टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन में साउथ सेंट्रल रेलवे में 3 कैंडिडेट हैं, यानी टोटल कहेंगे 5 टेक्नीशियन और 39 हो गया एलपी। तो कितने कैंडिडेट होते हैं, जो 44 कैंडिडेट हो जा रहे हैं यहाँ पे टोटल। तो यहाँ 42 लिखा है, देखिए 3, 2, 5 और यहाँ पे 18 और 19, हाँ 37 होगा, 37 ये है और 5, 42 कैंडिडेट हो गए। तो 42 कैंडिडेटों का पैनल है। हाँ, साथ में एक चीज़ और, जो कटअप इनका हुआ है पैनल आने के बाद, जो लोग वेटिंग में है उनको अनुमान लगाने के लिए, यूआर का कटअप आपका साउथ सेंट्रल रेलवे में 70 तक पहुंच गया है, एलपी कैटेगरी 1 के लिए 60-51, एससी का, एसटी का 55 और ओबीसी के लिए 68। उसी तरह मैकेनिकल वाले में 60-82, 60-49, 55-63 और 68-90, यानी ऊपर वाले से थोड़े फ्रैक्शन में कम। टेक्नीशियन एक पोस्ट आया है उसका 57-61 नंबर का। पीसीएम में कैंडिडेट है वो एलडी पीडब्ल्यूडी से 41.49 और 136 में 2 कैंडिडेट या तो यूआर में या 2 कैंडिडेट ओबीसी में, यानी 3 कैंडिडेट टोटल हैं। तो 82.81 और 82.18 कटअप गया है दोनों यूआर का रेस्पेक्टिव में। इनकी आगे की प्रोसेस डिवीजन से की जाएगी ऐसा लिखा हुआ है। तो बधाई उन कैंडिडेटों का जो 42 कैंडिडेट हैं प्लस में जिनका कैंसिल हो गया था उनको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।